Call me, should I? आज यहाँ पे हम मस्कत आए हैं. ये ओमान का मेरा पहला विजिट है. ओमान में आते ही जो पहला आपको एहसास होता है वो ये है कि ये बड़ा ही पुरसकून शहर है. बहुत ही यहाँ पर लोग जो हैं उनका कोई शोर आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देता. और जब जहाज से हम लैंड कर रहे थे ऊपर से जब हमने इमारतें देखी, अगर आप देखो तो ये ना सफ़ेद रंग की इमारतें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी. मटियाला रंग है, सफ़ेद रंग है. और ये इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत लगता है ऊपर से ना छोटे छोटे सफ़ेद मकान. और यहाँ पे इन्होंने एक बात का और भी ख्याल रखा है कि ज़्यादा कोई जिसको कहते हैं ना स्काई स्क्रैपर नहीं है. जिस तरह दुबई में आप जाए तो एकदम आपको लगता है कि आप जैसे न्यूयॉर्क में आ गए. शहर का पूरा मिजाज जो है जो आपको जहाँ पर मटियाले रंग की और वाइट कलर की सफ़ेद रंग की यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लगती है. और दूसरी बात ये कि जो ही आप शहर में आते हैं दाखिल होते हैं आपको लोगों के मिजाज का भी अंदाजा होता है. ये ना थोड़ा थोड़े ठंडे और धीमे मिजाज के लोग हैं. यानी आप यूँ कह सकते हैं कि जो बाकी जो गल्फ ममालिक हैं दुबई वगैरह वहाँ थोड़ा सा आपको उनके लिए जो हमें सख्ती और थोड़ा सा रौनक मिलती है जो यहाँ पे मैंने नोट किया है कि वो उस तरह से नहीं है. फिर एक बात ये है कि यहाँ पे आबादी बहुत कम है. मेरा ख्याल है ओमान की आबादी, सॉरी मस्कत की आबादी 5-6 लाख, ओमान पूरे की आबादी शायद 55 लाख है. तो ये तो कुछ भी नहीं है. ऊपर से इनके पास तेल की बहुत दौलत है. तो यहाँ पे जब हम देखते हैं सारा सिस्टम बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत लगता है आपको कानून का निज़ाम. और कोई बंदा वही वाली बात जो हम अक्सर करते हैं पाकिस्तान से आके कि जहाँ कोई ना सड़क पे कूड़ा फेंकता है ना कोई इशारा तोड़ता है. और फौरी आपको यहाँ पे आपकी नादरसी की भी बातें सुनने को मिलती हैं. लेकिन बहरहाल ओमान जो है वो एक बादशाह है. यहाँ पे पहले सुल्तान कबूस की तकरीबन कोई 50 साल तक हुकूमत रही. वो जो थे सुल्तान वो उनको आप फाउंडिंग फादर कह सकते हैं जदीद ओमान को. तो वो एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर नरेंद्रेश आमिर, उसकी एक मिसाल अगर कोई दी जा सकती है तो वो उनकी थी. लोग यहाँ से मैंने उनसे बातें की हैं, वो बड़ी तारीफ करते हैं सुल्तान की, काबूस की. मौजूदा जो सुल्तान है वो उनके शायद कज़न है. और वो सुल्तान काबूस ने जो अपनी वसीयत की थी उसमें उन्होंने एक काउंसिल बनाई थी कि ये सारे उनके आपस में तय कर लें, नहीं तो फिर वो तेरी वसीयत में देख लें कि किसका नाम है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब सुल्तान की वसीयत ही देख लेते. उसके नतीजे में फिर उन्होंने मौजूदा जो सुल्तान है उनको उन्होंने मुंतखब किया. तो खैर बाकी ये है कि ज़ाहिर है चूँकि बादशाहत है तो यहाँ पे सर्वेलेंस का भी एक अपना निज़ाम है और छोटी छोटी बातों पर पाबंदियाँ भी हैं. अब ज़ाहिर है उस तरह से आप बोल नहीं सकते, हुकूमत के खिलाफ जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते. लेकिन फिर यहाँ पे एक और बात भी किस चीज़ के खिलाफ जुलूस निकालना है उन्हें. तो लेकिन बहरहाल ये एक अलग से एक बहस है जो बड़ी लंबी है जो हम अक्सर बेशतर करते रहते हैं. फिर हमारा यहाँ से सलाला जाने का तबाक हुआ तकरीबन 2,100 किलोमीटर के फासले पर शहर है. 1 घंटे की सवा घंटे की फ्लाइट से हम गए. बहुत शोर सुनते थे पहलू में सलाला का, यूँ कहूँगा मैं. बड़ा इनका अपनी तरफ से एक टूरिस्ट सिटी है, बहुत बड़ी पोर्ट है वहाँ पे. ओमान की सबसे बड़ी पोर्ट सलाला में सलाला है. तो लेकिन वो जो खूबसूरती या वो जो समुंदर की हमें बातें सुनाई गई थी ना, वो देख के शहर को मुझे कुछ मायूसी हुई कि जी वहाँ बड़ा सब्जा है और वो सब कुछ है. हाँ है, ग्रीनरी एक इलाका उनका एक वादी एक दरबार है वहाँ पे, ग्रीनरी भी है, आबशार भी है, चश्मे वगैरह भी हैं. लेकिन वो बस ठीक है, कोई इतनी खास मुझे उसमें कोई जगह ऐसी बात नहीं नजर आई कि पूरे गल्फ से वहाँ पे सैयाह आते हों. मतलब वहाँ पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी और हमें जाने में ही 2-3 घंटे लग गए. हालांकि वो तो ज्यादा फासला नहीं है सलाला शहर से. तो अच्छी जगह है जाने के लिए, वहाँ पिकने के लिए. और वहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल के स्टॉल वगैरह और खाने पीने की जगह बनी हुई थी. बाकी जब सलाला में जो बातें हमने सुनी उसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती. मसलन एक बात हमने ये सुनी कि वहाँ पे शद्दाद की जन्नत बनाई गई है, बनाई नहीं गई मतलब शद्दाद की जन्नत वहाँ मौजूद है. और दूसरी हमने ये सुनी कि वहाँ सामरी जादूगर का महल भी है. वो हमें तो बड़ा शौक था वो देखने का. फिर मैंने सोचा कि वो मेरे 2-4 बंदे सामरी किस्म के लाहौर में भी वाकिफ है तो उन्हीं का घर देख लूंगा मैं.
ان باتوں میں کوئی مجھے ایسی کوئی تصدیق ان کی نہیں ہو سکی. بہرحال ہمارا وہاں پہ ایک مختصر سا قیام تھا اور میرا جو ایک جانا چاہیے تاثر تھا سلالہ کے بارے میں وہ مجھے اس طرح سے نہیں وہ شہر ملا. خیر اینی وے تو اب ہم واپس یہاں مسقط میں ہیں اور مسقط شہر جو ہے یہ اچھا خوبصورت لگا مجھے. اس کی چاروں طرف سب نظر تو نہیں آ سکتی لیکن باہر پہاڑیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اور یہ اچھی خوبصورت لگتی ہیں جب ذرا موسم کلیئر ہو. گرمی یہاں پہ بہت ہے اس وقت, ہم یعنی کہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً دوپہر کے 1:45 بج رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے, اس طرح سے گرمی اس وقت نہیں لگ رہی لیکن نارملی یہ کافی حبس ہوتا ہے یہاں پہ. اور یہ ویدر جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا یہاں پہ مسئلہ دیتا ہے لیکن میرا خیال ہے دبئی سے پھر بھی یہ ویدر اس کا بہتر ہے. تو بہرحال آخری تجزیے میں اگر آپ یعنی عمان, اچھا عمان کی نا پاکستان کی طرف آپریشن بھی بہت ہے یہاں پہ, یعنی پاکستان نیوی کے افسران جو ہیں وہ بھی یہاں پہ ڈیپوٹیشن میں کی فوج میں آتے رہتے ہیں اور بہت اچھا ان سے ہمارا تعلق ہے اور یہاں پہ اچھی سکولنگ ٹھیک ہے اور صحت بہت مہنگی ہے, یعنی کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں اور اگر آپ پاکستانی ہیں یا کام کر رہے ہیں بہت زیادہ پر. اینی وے آخری انالیسس میں یہ ہے کہ ایک سردیوں میں یہاں آنے کے لیے یہ ایک اچھا ٹورسٹ اسپاٹ ہے لیکن بہت مہنگا ہے. یہاں پہ ایک جو عمانی ریال ہے وہ تقریباً 550-650 روپئے کا ہے, اس حساب سے کرنسی کیونکہ بہت مہنگی ہے لہٰذا شہر بھی بہت مہنگا ہے. فلائٹ لاہور سے 2 گھنٹے کی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے لیکن شہر اور ملک جو ہے کافی مہنگا ہے. دنیا میں جو اچھی کوالٹی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے مہنگی بھی. جیسا کہ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مسقط شہر ہے وہ سمندر کے کنارے ہے, تو یہ سمندر کے کنارے اس وقت موجود ہے اور اس کو لو اسٹریٹ کہتے ہیں, شاہراہ محبت کہہ لیں آپ اس کو. اور اس وقت کافی گرمی ہے ویسے, سورج نکلا ہوا ہے اور دوپہر کے 4:30 بجے, لیکن یہ ایک بہت خوبصورت منظر ہے. اور اگر آپ کو سامنے کوئی شاید عمارت کا منظر کر رہا تھا مٹیالے رنگ کی, تو اور وہ جو بیچ بنتا ہے وہ مجھے نا گریس کا ایک شہر یاد آتا ہے, اس کا سفید عمارتیں اور سمندر کے کنارے والے بہت ہی خوبصورت ایک کمبینیشن لگتا ہے. اور اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پہاڑ بھی شاید پہاڑیاں نظر آئیں. یہ ایک مسقط شہر کی نا بڑی خوبصورتی ہے, یہ ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف پہاڑ ہے, باقی جو کچھ ہے وہ اسی کے اندر ہے. یہ زمیر جعفری صاحب نے کہا.